दोस्तों इस टीवी को देखिए और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। ये एक 19 इंच का एलईडी टीवी है। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर लाइन देने के बाद अभी इस कंडीशन में है, यानी कि स्टैंड बाई मोड में है। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है स्टैंड बाई प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे टीवीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो जब इसको अंदर लाइन देने के बाद स्विच प्रेस करके या रिमोट के माध्यम से या इसका जो पावर बटन है उसको शॉर्ट करके देखता हूँ, तब भी ये चालू नहीं होता है। तो ये 100% स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। तो जब भी किसी भी टीवी के अंदर स्टैंड बाई का प्रॉब्लम आएंगे तो उसको कैसे हम लोग रिपेयर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो खास करके देखिए कि इसके अंदर दो बोर्ड लगा हुआ है, एक तो पावर सप्लाई प्लस बैकलाइट और एक कंट्रोलर बोर्ड। यहाँ पे कंट्रोलर बोर्ड आप देख रहे हो, U11 टाइप का कंट्रोलर बोर्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर सारे वोल्टेज को चेक करना होता है, जैसे कि बेसिक वोल्टेज हो गया 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और उसके साथ ही साथ 1.8 वोल्ट। ये तीन वोल्टेज कॉमन होता है इस वाली बोर्ड के लिए, और अगर 12 वोल्ट नहीं होंगे तो ये हमारा एलईडी बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन इसके अंदर 12 वोल्ट मौजूद होना चाहिए। तो चलिए मैं इस मल्टीमीटर के माध्यम से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस मल्टीमीटर को रखता हूँ ताकि आप लोगों को वोल्टेज एकदम प्रॉपर देखने को मिले। और यहाँ पे मैंने डीसी वोल्ट पर सेट कर दिया हूँ, एक एक ग्राउंड कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे, ये जो बायोस आईसी आप देख रहे हो, ये प्रोग्रामिंग आईसी का 8 नंबर पिन पे हमें 3.3 वोल्ट आना चाहिए। ये हमें सबसे पहले मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ पे जैसे टच करा तो आप मल्टीमीटर पे देखिए कि 3.3 वोल्ट एकदम ओके है, यानी कि यहाँ पे जितना वोल्टेज आना चाहिए वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रिपल ऑन 8 आईसी लगा हुआ है, इस आईसी के आउटपुट में 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। तो ये एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्ट के जगह हमें 0.4 वोल्ट मिल रहा है और 3.3 वोल्ट के जगह हमें 0.2 वोल्ट मिल रहा है। मतलब इस ट्रिपल ऑन 8 आईसी के आउटपुट में हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब इस ट्रिपल ऑन 8 आईसी का जो इनपुट वोल्टेज है वो चेक कर लेता हूँ। तो इसका इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए 2 नंबर और 4 नंबर पिन पर हमें देखना होता है 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो इसका 2 नंबर पिन पे जब टच करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए 0.2 वोल्ट के आसपास देख रहा मिल रहा है, और जब इसका 4 नंबर वोल्टेज या 4 नंबर पिन पर टच करता हूँ तो यहाँ पे 0.1 वोल्टेज के आसपास दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हमारे जो 5 वोल्ट आना चाहिए वो 5 वोल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा है हमारा 5 वोल्ट, ये चेक करने के लिए बोर्ड को हमें खोलना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं बोर्ड को खोल कर बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बोर्ड बाहर आ गया है। अब बारी आती है कि इसका ट्रैक जो है हमें ट्रेस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज के लिए जो 2 नंबर और 4 नंबर जो पिन है ना, 2 नंबर और 4 नंबर पिन के साथ एक ट्रैक यहाँ से यहाँ तक आया है, और यहाँ से आते हुए हमारा यहाँ तक आया है। यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आया है और उसके बाद ये जो आप USB देख रहे हो ना, इसके अंदर आया है। तो हम सबसे पहले इस USB के अंदर वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग वो सबसे पहले इसके अंदर सप्लाई दे दिया हूँ। सप्लाई देने के बाद यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ, और मल्टीमीटर को रखने के बाद देखिए एक तो ग्राउंड कर लिया, और दूसरे सबसे पहले यहाँ पे हमें वोल्टेज आएंगे 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 5 वोल्ट के जगह देखिए 0.1 वोल्ट हमें मल्टीमीटर पे देखने को मिल रहा है, और उसके अगले जो पॉइंट है यहाँ पर भी 0.0 वोल्टेज या 0.1 वोल्टेज हमें दिख रहा है। अब इस PCB को मैं उल्टा करता हूँ। उल्टा करने के बाद यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट का एक पॉइंट दिया हुआ है USB के लिए। यहाँ पे मैं अगर टच करूँगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 0.1 वोल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ तक हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब चलिए हम इनपुट वोल्टेज चेक कर लेता हूँ जहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ना, बोर्ड का नंबर है HD.85.031B। तो इसका 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है देखिए। तो इस कैपेसिटर के अंदर हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। ये तो 12 वोल्ट के लिए है दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटर है छोटा वाला, ये हमारा 5 वोल्ट के लिए है। तो इसके अंदर 5 वोल्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए एक तो ग्राउंड कर लेता हूँ, दूसरे को यहाँ पे टच करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट प्रॉपर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है हमारा वोल्टेज। तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहा है, यही हमें अब चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैं एक चीज़ आपको चेक करना चाहूँगा कि अगर हम उल्टा करेंगे इसको तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए एक जो पॉइंट है ना, इस कैपेसिटर के नीचे तक गया है। तो इस कैपेसिटर के नीचे कोई भी ऐसा टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है कि एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 डॉट डॉट दिया हुआ है।
तो इसे दो डॉट डॉट का मतलब है यहीं पर हमें 5 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे प्रॉप को रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खर्च लेता हूँ। खर्चने के बाद देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन मल्टीमीटर पे देखिए 0.1 वोल्टेज हमें दिखा रहा है, मतलब यहाँ तक भी वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है। तो इस ट्रैक को मैं ट्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कहाँ तक हमारा ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो यही ट्रैक को जब हम यहाँ से पकड़ के जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मुझे देखने को मिला है एक छोटा सा, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक जगह पे दोस्तों कटिंग लगा हुआ है। पता नहीं ये कैसे हुआ है, मुझे लगता है कि जब इसके अंदर काम करने के लिए गया था कोई टेक्नीशियन है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर पहले से ही काम करा हुआ है। तो यहाँ पे छोटा सा डेंट आ गया है और इसी के कारण ये स्टैंड बाई मोड में चला गया है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि 5 वोल्ट आता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे टच करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे मल्टीमीटर पर 5 वोल्ट आ चुका है, मतलब यहाँ तक तो सही से आ रहा है वोल्टेज, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक जम्पर लेके यहाँ तक हम जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा खर्च लेंगे और यहाँ पे खर्च लेने के बाद मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि हमारा ये बोर्ड स्टैंडबाई से दूर होता है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3118 ICहै इसको बदल के देखेंगे, एकदम ओके कंडीशन में होना चाहिए। तो चलिए मैं इस बोर्ड को अभी निकाल के लेकर चलता हूँ, उसके बाद इसको सोल्डर करके देखता हूँ कि स्टैंड बाई से दूर होता है कि नहीं। तो दोस्तों हमने माइक्रोस्कोप के नीचे ये वाला बोर्ड लेकर आ गया हूँ, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि ये जगह बहुत ही गंदा हो चुका है और पहले से गंदा हुआ है। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, क्लीन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम आया है। देखिए ये बहुत दिन का पुराना ये यहाँ पे खर्चा हुआ है और ये टीवी बहुत दिन से पड़ा हुआ था ये स्टैंडबाई मोड के कारण। तो यहाँ पे कट लग गया है, देखिए किसी के कारण के वजह से शायद इसके अंदर कोई काम करने के लिए गया था, उसके बाद कटिंग आ गया था। अभी का नहीं है, देख सकते हो बहुत ही पुराना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड को मैं थोड़ा थोड़ा करके खर्च लेता हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि इस जगह पर मैंने खर्च के देखा था कि 5 वोल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, दो डॉट आप देख रहे हो ना, इसी के माध्यम से हमारा इस साइड जो 3118 ICE आप देख रहे हो यहाँ तक वोल्टेज आ रहा था। तो जब मैंने यहाँ पे चेक करके देखा तो यहाँ पे वोल्टेज हमें नहीं देखने को मिला। फिर इसको ट्रैक करते हुए जब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे देखने को मिला यहाँ पे कट लगा हुआ है ट्रैक के अंदर। और जब मैंने इस साइड में इस जगह पर दो डॉट देख रहे हो, इस जगह पर मैंने जब वोल्टेज को चेक करके देखा तो यहाँ पे वोल्टेज था, लेकिन यहाँ तक इधर का नहीं था। उसके बाद पता चला कि यही जगह के कटिंग की वजह से वोल्टेज पास नहीं हो रहा था। तो चलिए इस जगह को मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेता हूँ। तो इस जगह को मैंने ऐसा कर लिया हूँ दोस्तों, अब थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद थोड़ा सा इसको सोल्डर कर देता हूँ। और सोल्डर करने के समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो डॉट देख रहे हो ना, ये LVDS केबल का कनेक्शन, इसके साथ टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से ये सही सलामत हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद मल्टीमीटर के माध्यम से एक बार मैं चेक कर लूँगा कि हमारा ये कनेक्शन किसी दूसरे के साथ अटैचमेंट हुआ है कि नहीं। मेरे ख्याल से इस जगह पे थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया है, तो मैं इसको कटिंग करके ठीक कर लूँगा यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से किसी के साथ शॉर्टिंग नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा इधर भी कर लेता हूँ ताकि किसी का तो शॉर्टिंग ना हो जाए। तो चलिए अब हम बोर्ड के अंदर चलते हैं, यानी कि इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन करके देखते हैं कि हमारा ये वाला समस्या जो प्रॉब्लम था ये दूर होता है कि नहीं। चल गुड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो सोल्डर करा हो ना, इस सोल्डरिंग को हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके जस्ट बगल में ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाला लाइन 12 वोल्ट के लिए होता है, जो कि हमारा ये ऑडियो IC है। तो होता है ना, इस ऑडियो IC के अंदर 12 वोल्ट देने के लिए ये वाला ट्रैक होता है और ये वाला 5 वोल्ट के लिए है। तो दोनों के अंदर कोई शॉर्टिंग तो नहीं हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए मैं 2-3 जगह पर चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। उसके साथ ही साथ मैं इस जगह पर भी चेक करूँगा ताकि कोई किसी के साथ कोई अटैचमेंट ना रह जाए। देखिए यहाँ तक तो है, लेकिन इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ भी नहीं है।
तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ तक चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो ना, ये 12 वोल्ट के लिए है जो कि ऑडियो आईसी को जाने वाला है। तो यहाँ तक सारे कुछ बिल्कुल सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो सप्लाई का ये कनेक्टर लगाता हूँ और ये सेंसर का और इंडिकेटर का ये केबल को लगा देता हूँ। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चालू करता हूँ, देखिए यहाँ पे रेड इंडिकेटर जल गया है। अब इसको मैं स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ इस बटन को प्रेस करके। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टैंड बाय से रिलीज होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए पावर बटन को प्रेस करा और यहाँ पे हमारा ये टीवी स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है। अब चलिए सारे वोल्टेज को एक बार मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ कि आपको अगर इसके अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम देखने को मिले तो वो कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो 3.3 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ पे एक मॉस्फेट लगा हुआ है, जो रेगुलेटर लगा हुआ है, तो इसके अंदर देखना पड़ेगा। ओके है। अब यहाँ पे जो बायोस आईसी लगा हुआ है, इसका 8 नंबर पॉइंट पे 3.3 वोल्ट चेक करना है, एकदम ओके है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिपल ऑन 8 आईसी लगा हुआ है, इसका इनपुट 2 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पिन पर 5 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 5 वोल्ट 2 नंबर पिन पे, 4 नंबर पिन पे भी 5 वोल्ट ओके है। उसके बाद इसका आउटपुट में हमें 3.3 वोल्ट 5 और 6 नंबर पिन पे हमें देखने को मिलेंगे और 7 और 8 नंबर पिन पे हमें 1.8 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज एकदम बिल्कुल प्रॉपर है और यही वोल्टेज दोस्तों 3-4 वोल्टेज होता है, मेन वोल्टेज होता है इस बोर्ड के लिए है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इस टाइप का U11 बोर्ड का स्टैंड बाय प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हो। अगर आप बोर्ड के अंदर ये आईसी ख़राब मिले 3.18, अगर आपको ये मार्केट से ना मिले तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर deepelectronicslabshop.in से ये वाला आप आईसी खरीद सकते हो, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया। और दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमारे जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट पर इस वाली बोर्ड का कोई सॉफ्टवेयर अपलोडेड नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर हमने नहीं डाला हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस वाली बोर्ड का ना ये जो आईसी है, इस आईसी को निकाल के इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हमारे वेबसाइट पर डाल दूंगा deepelectronicslab.com पर। वहाँ पे आप फ्री में इस वाली बोर्ड का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाओगे। तो जिन लोगों को भी इस वाली बोर्ड का या किसी भी टीवी का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आप हमारे वेबसाइट deepelectronicslab.com से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी टीवी का पार्ट्स या कंपोनेंट्स खरीदना है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर deepelectronicslabshop.in से खरीद सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई सवाल है और सुझाव है नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।